अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। तो आज हम बात करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 6.2 के क्वेश्चन नंबर 13 की। तो मेरे पास ये क्लास 9th मैथमेटिक्स की बुक है साइंस ग्रुप की, और उसका एक चैप्टर नंबर 6 चल रहा है जिसका नाम है अलजेब्रिक मैनिपुलेशन। इस चैप्टर से रिलेटेड बहुत सारे सोल्यूशन, बहुत सारा कंटेंट मैं अपने चैनल पर पहले ही अपलोड कर चुका हूँ। मैंने इस चैप्टर के नेम से एक सेपरेट प्लेलिस्ट भी बनाई हुई है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। अगर आप इसके बाकी सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हो इस चैप्टर से रिलेटेड, तो वो लिंक डिस्क्रिप्शन में से देख सकते हैं। इसके अलावा भी क्लास 9th से रिलेटेड मैंने डिफरेंट चैप्टर्स के सोल्यूशंस कवर किए हुए हैं, वो आपको मेरे चैनल के प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं, कोई सजेशंस हैं मेरे वीडियो कंटेंट के हवाले से, तो उसके लिए मैंने एक फेसबुक पेज बनाया हुआ है, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है। आप उस फेसबुक पेज के थ्रू अपने क्वेश्चन को, अपने सजेशन को मुझ तक पहुँचा सकते हैं। तो आइए स्टार्ट कर लेते हैं। ये इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन है, इससे पहले जितने भी क्वेश्चन थे वो हम कर चुके हैं, वो अपलोडेड है। तो इस क्वेश्चन की स्टेटमेंट हम पढ़ लेते हैं। तो यहाँ पर लिखा हुआ है परफॉर्म द इंडिकेटेड ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई टू द लोएस्ट फॉर्म। इन सारे क्वेश्चंस की सेम ही स्टेटमेंट थी। तो इस स्टेटमेंट के अंदर ये कहा गया था कि जो ऑपरेशंस आपके पास क्वेश्चंस के अंदर आ रहे हैं, आपने उनको परफॉर्म करना है, यानी उनकी मदद से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। जिस तरह आप क्वेश्चन नंबर 13 देखें, तो इसके दरमियान में यहाँ पे जो ब्रैकेट्स लगी हुई है, इसके बिल्कुल सेंटर में डिवीजन का ऑपरेशन लिखा हुआ है, ऑपरेटर लिखा हुआ है। तो इस डिवीजन की मदद से हमने इसको बेसिकली सॉल्व करना है, यानी इस डिवीजन के सिंबल को सोचते हुए, इसको ध्यान में रखते हुए इन एक्सप्रेशन को सॉल्व करना है। और भी ऑपरेशन इसके अंदर है, हमने उनका भी ख्याल रखना है और उनकी मदद से इनको सॉल्व करना है। और सॉल्व कहाँ तक करना है, उसको हमने करना है सिंप्लीफाई करना है, यानी सॉल्व एक तरह का करना है लोएस्ट फॉर्म तक। लोएस्ट फॉर्म क्या होती है, एक ऐसी फॉर्म जिसमें मजीद किसी भी किस्म का कुछ कॉमन फैक्टर्स इन्वॉल्व ना हो, कोई चीज़ फर्दर सॉल्व आउट ना होती हो, कोई चीज़ फर्दर कैंसिल आउट नहीं हो सकती हो, यानी ऐसी फॉर्म लिखी हो जिस जो बिल्कुल फाइनल फॉर्म हो, उसमें किसी भी किस्म की कटिंग की या कोई उस पर फर्दर सिंप्लीफिकेशन की गुंजाइश ना हो, उसको हम एक तरह का बोल लेते हैं कि वो लोएस्ट फॉर्म होगी। तो आइए अब स्टार्ट कर लेते हैं हम क्वेश्चन नंबर 13 को। तो ये आपके सामने आपको क्वेश्चन नंबर 13 नज़र आ रहा है, अब हम इसको सॉल्व करने लगे हैं। तो सबसे पहले आप देखें क्वेश्चन नंबर 13 के अंदर एक तरह के दो पार्ट्स हैं, ठीक है। दो पार्ट्स का मतलब है, लेट्स ये पहली ब्रैकेट्स जो स्क्वायर ब्रैकेट्स के अंदर कुछ आपके पास आपको एक्सप्रेशन नज़र आ रही हैं, और इसी तरीके से डिवीजन के बाद जो दूसरी स्क्वायर ब्रैकेट्स लगी हैं उसमें भी कुछ आपको रैशनल फ्रैक्शन नज़र आ रही हैं, या जनरली हम इसको कह लें कुछ एक्सप्रेशन लिखी हुई हैं ऊपर नीचे फ्रैक्शन के अंदर। तो हमने इनको सेपरेटली सॉल्व करते जाना है, और एट दी एंड इस डिवीजन सिंबल को हम चेंज करेंगे मल्टीप्लाई में और इसको फर्दर सिंप्लीफिकेशन की तरफ ले जाएंगे। तो सबसे पहले आप इस पहली वाली ब्रैकेट्स को देखें, तो यहाँ पे ये दोनों जो रैशनल फ्रैक्शंस लिखी हुई हैं इनके दरमियान माइनस का सिंबल है या माइनस का साइन है। इसका मतलब है आपको यहाँ पर एलसीएम लेना पड़ेगा। अब एलसीएम लेने से पहले आपने देख लेना है कि अगर आपके पास कोई भी जो फ्रैक्शन है उसमें कोई सिंप्लीफिकेशन हो सकती है, किसी में कोई फार्मूला अप्लाई हो रहा है, या कोई चीज़ फर्दर सॉल्व आउट होकर आपको हेल्प आउट कर सकता है, तो वो पहले कर लें और उसके बाद एलसीएम निकालें। लेकिन अगर आप यहाँ पे देखें नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक फॉर्मूले जैसा तो लगता है, एक आइडेंटिटी जैसा तो लगता है, क्योंकि आप इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में लिख सकते हैं, लेकिन इससे कोई फायदा भी यहाँ पर होने वाला नहीं है, क्योंकि इसको एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई लिखने के बावजूद भी इसकी ना तो किसी के साथ कैंसिलेशन पॉसिबल है, ना ही इसकी एलसीएम में कोई हेल्प मिलेगी आपको। अगर ऐसा होता कि इधर भी x plus y x minus y बनता, इधर भी कुछ उस तरह की सेम चीज बन रही होती x square plus y square की जगह पे, तो एलसीएम लेना आसान हो जाता, लेकिन इधर कुछ भी ऐसा नहीं है, इधर x square plus y square, और आपको पता ये किसी का फॉर्मूला नहीं बनता क्योंकि इसके दरमियान प्लस का साइन है, माइनस का साइन होता तो फिर तो ये सेम ही हो जाते। तो इसका मतलब है अभी आपको यहां पे कोई और सिंप्लीफिकेशन करने की जरूरत नहीं है, आप जस्ट इनका एलसीएम निकालें। तो हमें सबसे पहले इन दोनों रैशनल फ्रैक्शंस का एलसीएम निकालना है, और आपको मैंने रूल बताया हुआ भी है कि अगर आपके पास दो फ्रैक्शंस लिखी हों और उनके डिनोमिनेटर में कुछ ऐसी एक्सप्रेशंस लिखी हों जो मैच ना करती हों, सेम ना हो, जैसे आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है और यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, ये दोनों डिफरेंट है क्योंकि ये माइनस की है वो प्लस की है। तो अगर डिफरेंट आपके पास यहाँ पे चीज़ें लिखी आ रही हैं, तो आपने उन दोनों चीज़ों को जो कि डिफरेंट है एक एक दफ़ा लिख लेना होता है, वही आपका एलसीएम कहलाता है। अगर सेम होती तो सेम में भी दोनों को एक दफ़ा लिख लेते हैं, अगर सेम होती लेकिन दोनों की पार्ट्स डिफरेंट होती तो जिसकी बड़ी पार होती है उसको जस्ट एक दफ़ा लिख लेते हैं, तो ये एलसीएम के रूल्स होते हैं। तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दोनों डिफरेंट है क्योंकि एक में प्लस का साइन है, एक में माइनस का साइन है, तो आप इन दोनों को एक एक दफ़ा लिख लेंगे, यही इसका एलसीएम कहला देगा। दूसरी बात यह कि अगर कोई चीज़ में साइन का फर्क हो जस्ट, और आप उस साइन को सेम बना सकते हो कि वो दूसरा जैसा बन जाए, तो तब आप एक में से माइनस कॉमन ले सकते हैं। जैसे अगर आप देखें इस पहले वाले में से माइनस आप कॉमन ले भी लें, तो वाई स्क्वायर तो पॉजिटिव बन जाएगा लेकिन एक्स स्क्वायर नेगेटिव हो जाएगा, तो उधर तो दूसरी तरफ जो एक्स स्क्वायर है वो पॉजिटिव है, तो इससे कोई फायदा नहीं होगा। ये सारी बातें मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि आप ये सारे रूल्स देखेंगे, जहन में रखेंगे, तो इससे आपको फायदा मिलेगा। तो अभी यहाँ पर जो चीज़ है वो यही है कि दोनों डिफरेंट हैं, तो डिफरेंट होने की वजह से आपको इन दोनों को एक एक दफ़ा लिखना पड़ेगा एलसीएम। तो हम यहां पे एक लाइन यहां पे डाल लेते हैं, एक दफा लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को, और एक दफा हम लिख लेते हैं एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को। तो ये इन दोनों का क्या आ गया, एलसीएम आ गया।
अब आगे आपको चीजें पता होनी चाहिए कि जो भी एलसीएम आता है इस चीज को, और ये जो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर पहली फ्रैक्शन का डिनोमिनेटर है, इसको आप डिवाइड करते हैं, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को आप डिवाइड करेंगे और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर और एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर लिखेंगे, तो जो चीज़ कैंसिल आउट हो जाएगी उसको छोड़ देंगे, जो बचेगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब आप देखें यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इधर भी है और इधर भी है। इसका आसान तरीका ये होता है कि जो चीज़ें दोनों है सेम में है, यानी एलसीएम में भी है और फ्रैक्शन के नीचे भी लिखी हुई है, उसको आप स्किप कर दें, उसको छोड़ दें, क्योंकि वो एक तरह की कैंसिल आउट हो जाएगी, और जो चीज़ बचती है उसको ऊपर वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दें। तो क्या चीज़ बची? बची एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। तो ये ऊपर भी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, जब ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ऊपर वाले एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से मल्टीप्लाई होगा, तो यहाँ पे बन जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर, क्योंकि दो चीज़ें मल्टीप्लाई होती है सेम, तो उनके ऊपर पार्ट टू हो जाती है। माइनस का साइन, अब इधर भी आपने ये रूल देखना है, यहाँ पे लिखा हुआ है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जो एलसीएम है उसमें भी पहले से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है, तो जो सेम चीज़ें हैं यानी ये दोनों, उसको छोड़ दें, ये कैंसिल आउट हो गई। क्या बचा? एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, तो इसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर दें, ऊपर भी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर है, तो आप लिखें एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर और ब्रैकेट क्लोज। इसको सॉल्व हम अब अगले स्टेप में करेंगे। आगे चलते हैं, अब डिवीजन का सिंबल, इधर भी आपने चीज़ों को ऐसे ही सॉल्व करना है, ठीक है? तो यहाँ पे देखें एक्स माइनस वाई है, एक्स प्लस वाई है, दोनों डिफरेंट है, तो एलसीएम के रूल के मुताबिक इन दोनों को एक एक दफ़ा लिख लेना चाहिए, यानी इधर भी आपको एक्स माइनस वाई एक दफ़ा लिख लेना चाहिए और इसके साथ आपको ये एक्स प्लस वाई भी इधर ही लिख लेना चाहिए। और रूल सेम ही है, जब एलसीएम निकाल लें आपने देखना है कि डिनोमिनेटर्स में क्या चीज़ें सेम है एलसीएम से, जो चीज़ें सेम होंगी उनको छोड़ देना है, जो बचेंगी उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई कर देना है। तो पहली वाली फ्रैक्शन की अगर बात करें, इसके डिनोमिनेटर में x माइनस वाई है और एलसीएम में भी x माइनस वाई आ रहा है, तो इसका मतलब है x माइनस वाई एक तरह का कैंसिल आउट हो जाएगा, जो बचा x प्लस वाई उसको ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करेंगे। तो x प्लस वाई ऊपर भी लिखा हुआ है, तो x प्लस वाई को जब आप x प्लस वाई से ही मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आ जाएगा x प्लस वाई का होल स्क्वायर। माइनस का साइन, अब आप देखें इधर एक्स प्लस वाई है, एलसीएम में भी एक्स प्लस वाई है, तो इस बार ये कैंसिल आउट हो जाएगा इससे, तो जो बचेगा एक्स माइनस वाई उसको एक्स माइनस वाई से मल्टीप्लाई करेंगे, तो ऊपर आपके पास आ जाएगा एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर और यहाँ पे ब्रैकेट्स आ जाएंगी क्लोज। अब यहाँ पे एक तरीका तो ये है कि आप इनके फॉर्मूलाज ओपन करें और फॉर्मूलाज ओपन करने के बाद जो चीज़ कैंसिल आउट होती हैं वो कैंसिल आउट कर लें, तो ये सिंप्लीफाई होना शुरू हो जाएगा। दूसरा चीज़ ये है कि जो चैप्टर नंबर 4 में आपने फॉर्मूलाज पढ़े हुए हैं, आपने उनकी मदद से इनको सॉल्व कर लें और आप उनको अपनी मेमोरी में भी रखें, क्योंकि वो आपको हेल्पफुल होंगे काफ़ी। तो देखें एक फॉर्मूला आपने वहाँ पे पढ़ा था, मैं यहाँ पे उसके लिख देता हूँ बीच में, ये हमने यूज़ करना है। वो फॉर्मूला क्या था कि अगर कोई चीज़ इस तरह की फॉर्म में लिखी हो, यानी ए प्लस बी होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी होल स्क्वायर, तो वो इक्वल होती थी 4 टाइम्स ऑफ ए बी के। ये आइडेंटिटी हमने पढ़ी हुई है, ये आपने मेंशन भी करनी है कि कोई चीज़ ए प्लस बी होल स्क्वायर की फॉर्म में लिखी हो, माइनस का साइन हो बीच में और आगे ए माइनस बी होल स्क्वायर लिखा हो, तो वो उसको आप लिख सकते हैं डायरेक्ट 4ab की फॉर्म में। तो आप इधर देखें जो क्वेश्चन में हमारे पास ये पहली जो ब्रैकेट्स हैं इसके अंदर चीज़ें लिखी हुई हैं, इसके न्यूमरेटर में आप देखें ये पूरी की पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर के ऊपर होल स्क्वायर है, बीच में माइनस का साइन भी है, उसके बाद पूरी चीज़ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर उसके ऊपर भी होल स्क्वायर है। तो इसका मतलब है ये चीज़ इस फॉर्मूले के इस वाली साइड से मैच कर रही है। ए क्या है? ए है एक्स स्क्वायर और बी क्या है? बी है वाई स्क्वायर। तो इस फॉर्मूले की मदद से इसको आप क्या लिख सकते हैं? इसको आप डायरेक्ट ही लिख सकते हैं, ये इक्वल होगी 4 आगे ए बी, ए बोलते हैं पहली वाली टर्म को, तो दोनों की पहली वाली टर्म सेम है यानी एक्स स्क्वायर, तो आप लिखेंगे एक्स स्क्वायर, और बी बोलते हैं सेकंड वाली टर्म को, तो इन दोनों ब्रैकेट्स में जो दूसरी टर्म है वो वाई स्क्वायर है, तो आप लिखेंगे वाई स्क्वायर। तो आपको इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं है, जस्ट ये फॉर्मूला जहन में रखें और इस फॉर्मूले की मदद से आप ये चीज़ डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो ये देखें मैंने लिख दिया। अब नीचे आ जाए, नीचे वाली चीज़ों को हमें कुछ भी चेंज करने की भी फिलहाल जरूरत नहीं है, अभी मैं उसको वैसे ही लिख रहा हूँ, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, और यहाँ पर मैं लिख रहा हूँ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, जो चीज़ें पहले से मौजूद थी, और ब्रैकेट यहाँ पे क्लोज और डिवीजन का सिंबल। अब देखिए सेम फॉर्मूला मैं यहाँ पे भी अप्लाई करूंगा। अब देखें ये लिखी हुई एक तरह की ए प्लस बी का होल स्क्वायर, माइनस का साइन है, और ये एक्स माइनस वाई लिखा हुआ है एक तरह का ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो ये भी वही चीज़ है, दो चीज़ों पे स्क्वायर है, बीच पे माइनस है, और आप देखें पहली पहली टर्म्स दोनों की सेम है, ब्रैकेट्स के अंदर दूसरी दूसरी टर्म दोनों की सेम है, तो ये भी 4ab की फॉर्म में लिखा जा सकता है। तो आप इसको भी लिख लें, आप लिखें 4a यानी पहली टर्म यानी एक्स, बी यानी दूसरी टर्म जो कि दोनों में सेम है यानी वाई, तो ये हो गया 4xy। तो हमें इनको सॉल्व करने की जरूरत ही नहीं पड़ी, अदरवाइज अगर आप इनकी ब्रैकेट्स ओपन करते इनको सॉल्व करते तो वो काफ़ी टाइम कंज्यूमिंग होता, तो बेहतर है हम ये वाली आइडेंटिटी मेंशन करके इसको डायरेक्टली इस तरीके से सॉल्व कर लें। अब हमने यहाँ तक कर लिया, अब देखें अब फर्दर कोई सिंप्लीफिकेशन की जरूरत नहीं है। अब आपने जस्ट क्या करना है, अब आपने इनकी ब्रैकेट्स को खोल देना है और डिवाइड को मल्टीप्लाई बना देना है, यानी हम लिखेंगे यहाँ पे 4x2 वाई स्क्वायर, नीचे हम सारी चीज़ें वैसे ही लिखेंगे, यानी एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, यहाँ पे हम लिखेंगे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर,
और डिवाइड को क्या बनाएंगे, मल्टीप्लाई। और आपको पता है जब भी डिवाइड को मल्टीप्लाई बनाते हैं तो जो उसकी आगे वाली फ्रैक्शन लिखी होती है उसको हम रेसिप्रोकल कर देते हैं, यानी उसका रेसिप्रोकल ले लेते हैं। जो चीज़ नीचे लिखी होती है उसको ऊपर लिख देते हैं, जो ऊपर लिखी होती है उसको नीचे लिख देते हैं। तो ये हो जाएगा एक्स माइनस वाई, और एक्स प्लस वाई को आप लिख देंगे ऊपर इस तरीके से, और नीचे आप क्या लिख देंगे, नीचे आप लिख देंगे 4xy, 4xy। यहाँ तक हमने कर लिया। अब आपने जस्ट इनकी सिंप्लीफिकेशन करनी है, तो आप देखें ये वाला 4 और ये वाला 4 तो क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा। इधर एक्स स्क्वायर है, यानी एक तरह के 2x हैं, तो ये एक एक्स इस एक एक्स से पूरा कंप्लीटली कैंसिल हो जाएगा। इधर भी वाई स्क्वायर है, एक तरह के 2y है, यानी वाई टाइम्स वाई है, तो एक वाई कैंसिल हो जाएगा इस पूरे एक वाई से, यानी इधर दोनों में 1x और 1y रह जाएंगे, यानी उनकी पार 1-1 रह जाएगी। दूसरी बात अब हम देखते हैं कि जो नीचे एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर लिखा हुआ है, मैं इसको लिख देता हूँ, ऊपर क्या क्या बचा हुआ है, ऊपर बचा हुआ है एक्स, ऊपर बचा हुआ है वाई कैंसिल आउट होने के बाद, और नीचे अगर आप इस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर को देखें तो ये एक्स प्लस वाई एक्स माइनस वाई की फॉर्मूला बनता है। ये आपने फॉर्मूला पढ़ा हुआ है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ, उसको आइडेंटिटी बोलते हैं। कि कोई चीज़ भी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जैसी लिखी हो तो आप उसको लिख सकते हैं ए प्लस बी और ए माइनस बी की फॉर्म में। तो ये पहले से लिखी हुई है, देखिए ये ए स्क्वायर है, ये बी स्क्वायर है, जस्ट एक्स वाई लिखा हुआ है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, कोई भी नंबर हो सकता है, लेकिन उन पर स्क्वायर होने चाहिए, बीच में माइनस का साइन होना चाहिए। तो इसको भी आप लिख सकते हैं एक्स प्लस वाई और एक्स माइनस वाई की फॉर्म में, और ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर तो आप वैसे का वैसे ही लिख लें, और यहाँ पे मल्टीप्लाई डालें, ये एक्स माइनस वाई और ये वाला जो एक्स प्लस वाई है इसको भी आप वैसे का वैसे ही लिख लें, और इसके नीचे तो कुछ भी नहीं बचा हुआ क्योंकि सब चीज़ें कैंसिल आउट हो चुकी हैं, तो आप इसके नीचे 1 लिख सकते हैं। अब आप देखें ये वाला एक्स प्लस वाई इस वाले एक्स प्लस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, ये वाला एक्स माइनस वाई इस वाले एक्स माइनस वाई से कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपका फाइनल आंसर आ चुका है। अब आपने बस उसको लिख देना है, वो क्या है, ऊपर यहाँ पे बचा हुआ है एक्स वाई, तो यहाँ पे आप लिख दें एक्स वाई, इधर तो कुछ बचा ही नहीं ना, तो 1 बचा, तो एक्स वाई टाइम्स 1 भी करेंगे तो एक्स वाई मल्टीप्लाई बाय 1 भी करेंगे तो एक्स वाई ही मिलेगा, और डिवाइड का सिंबल, और इधर क्या बचा हुआ है, इधर जस्ट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बचा हुआ है, इधर 1 बचा हुआ है, तो कोई भी चीज़ 1 से मल्टीप्लाई हो उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता, तो यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को 1 से मल्टीप्लाई भी करेंगे तो नीचे एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ही आएगा। तो यही हमारे पास इसका क्या होगा, फाइनल आंसर। हम इससे ज़्यादा इसको सिंप्लीफाई नहीं कर सकते, ये इसकी लोएस्ट फॉर्म बन चुकी है। तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन हुआ ख़त्म, उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोज़ में मिलेंगे बाकी सॉल्यूशंस के साथ।